वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। तो इससे अपन किसको समझाएंगे, लाइट की कौन सी थ्योरी को समझाएंगे? तो इसमें अपन तीन चीजें पढ़ेंगे, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। मेन जो वेव थ्योरी जो है, लाइट का जो वेव थ्योरी है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, याद करने के लिए इसको सबको किससे समझा रहे हैं अपन, वेव ऑप्टिक्स में मेन इसके लिए जाता है श्री हाइजेंस को, हाइजेंस वेव थ्योरी, हाइगन का तरंग सिद्धांत। इनका कहना यह था जो लाइट चल रही है वो वेव के फॉर्म में चल रही है, तो कभी भी हाइगन का नाम अकेले नहीं लिया जाता। जब भी हाइगन बोला जाता है अपन वेव थ्योरी जरूर बोलते हैं, हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन को कभी अकेला नहीं बोले, हाइगन को साथ में ही बोला जाता है, वेव थ्योरी, हाइगन्स वेव थ्योरी। पर किसको किससे समझाएंगे ये आप, तो वेव थ्योरी से समझाएंगे। तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। अरे कनेक्शन लॉस्ट हो गया। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, इनको किसे समझा देंगे, वेव थ्योरी से समझा देंगे। अभिषेक भदौरिया बेटा, शुभम, अब दिख रहा होगा पूरा बोर्ड। तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण किससे समझाओगे, वेव थ्योरी से। वेव थ्योरी किसने दी, हाइगन्स ने। जो लाइट को, प्रकाश को अगर हम पार्टिकल माने कण माने, इससे अपन लाइट के पैकेट माने, क्वांटा माने, तो इससे अपन समझा पाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वांटम इफेक्ट एक्सरे से संबंधित है, बस इतना ही याद रखना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वांटम इफेक्ट बस एक्सरे से संबंधित है, क्वांटम प्रॉब किससे संबंधित है, एक्सरे से, बस। तो याद ऐसे रखना, हिंदी मीडियम वाले ऐसे याद रखेंगे, विविध तरंगे तो व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। इंग्लिश में भी ऐसी कुछ बना लेना आप लोग, जैसे भी याद हो जाए, इंटरफेरेंस का आई ले लेना, डिफ्रैक्शन का डी ले लेना, पोलराइजेशन,
इनको किससे समझाओगे? वेव थ्योरी। तो एक छोटा क्वेश्चन आपके लिए ये भी आता है कि वेव थ्योरी से किसको समझाएंगे, तो आप कहेंगे वेव थ्योरी से हम लाइट को भी, वेव थ्योरी से किसको समझाएंगे? व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण। वेव थ्योरी से आप किसको समझाओगे? तो हम कहेंगे वेव थ्योरी से हम व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण को समझाएंगे। ठीक है, फोटोन थ्योरी से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम इफेक्ट को समझाते हैं। सबसे पहले लाइट के लिए न्यूटन ने कार्पुस्कुलर थ्योरी दी, कणिकाएं। उनका कहना यह था कि कणिकाओं का आकार अलग अलग होता है, इसलिए आपको कलर भी अलग अलग दिखते हैं। जो कार्पुसल्स होते हैं उनका आकार अलग अलग है, लाइट उन्हीं के फॉर्म में चलती है। बाद में आइगन ने बताया कि ये कार्पुसल्स के फॉर्म में नहीं चलती। आपने भी देखी होंगी कणिकाएं, जैसे अंधेरे कमरे में जो लाइट आती है उसमें पार्टिकल दिखते हैं छोटे छोटे, तो उनका कहना यह था ये ऐसे ही चल रही है, उनको ही मान लो कार्पुसल्स। लेकिन वो थ्योरी बहुत दिनों तक नहीं चल पाई, कुछ गलतियां थी। पहली गलती तो यही थी कि लाइट का जो कलर दिखते हैं, आप जानते हैं आज कि वो वेवलेंथ के कारण दिखते हैं, अलग अलग कलर की वेवलेंथ अलग अलग है इसलिए आपको कलर दिखते हैं। जबकि उनका क्या कहना था, कार्पुसल्स का साइज अलग अलग है इसलिए कलर्स दिखते हैं। दूसरी बात, न्यूटन ने डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड को ज्यादा बता दिया सघन माध्यम में, जबकि आपको पता है माध्यम क्या करता है, जैसे ही माध्यम डेंस हो जाता है लाइट की स्पीड कम हो जाती है। तो ये गलतियां थी, तो इससे बेसिक प्रॉपर्टी तो समझा दी गई, लेकिन जो मेन इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन है, व्यतिकरण विवर्तन ध्रुवण है, वो नहीं समझा पाए। उसके लिए आइगन्स वेव थ्योरी। उन्होंने आइगन्स वेव थ्योरी क्या थी, और इन्होंने एक घटना पहले इन्होंने भी लाइट को लॉन्गिट्यूडनल मान लिया था, अंधेरे मान लिया, लेकिन बाद में ध्रुवण की घटना को समझाने के लिए इन्होंने उसको अनुप्रस्थ माना, और इससे कई घटनाओं को समझाया गया, जैसे इंटरफेरेंस को समझाया गया, डिफ्रेक्शन को समझाया गया, पोलराइजेशन को समझाया गया, और इन्होंने एक नई चीज बताई, जो लाइट आगे बढ़ रही है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे बढ़ती है। यदि आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे वेव फ्रंट बनते हैं, तो उस फॉर्म में ये आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले बात करें इंटरफेरेंस होता क्या है। इंटरफेरेंस व्यतिकरण। अब आपको पता है व्यतिकरण आपने लाइट में भी देखा और साउंड में भी देखा, जैसे डॉपलर इफेक्ट दोनों में देखते हैं, ये साउंड में भी था ध्वनि में। चूंकि 11th का चैप्टर था ध्वनि, तो आप ज्यादा पढ़ते नहीं तो आपको याद भी नहीं रहता कि था कि नहीं था। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जब दो वेव मिलेंगी y=y1+y2, दो वेव मिले, ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। खास बात देखिए, केवल फाई का फ्रीक्वेंसी सेम है, ओमेगा सेम है, फाई कांस्टेंट फेज डिफरेंस है। तो इसकी कंडीशन क्या है, पहली बात तो इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेयर होने के लिए कंडीशन क्या है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नियत कलांतर, माने जितना पहली रे आगे जा रही है उतना हमेशा उसको आगे जाना चाहिए, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या फेज ना हो नियत कलांतर, ये मस्ट कंडीशन है। दूसरी कंडीशन देखिए फ्रीक्वेंसी सेम फेज जरूरी नहीं है भाई, ध्यान रखना, सेम फेज जरूरी नहीं है। दूसरा ये हो गया, दूसरा सेम फ्रीक्वेंसी, समान आवृत्ति,
सेम फ्रीक्वेंसी हो गया, सेम फेज डिफरेंस हो गया, और तीसरी बात लिख लेना सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, समान का समान दिशा, और दोनों को सुपर इंपोज कर दो। सुपर इंपोज करना जानते हैं, अध्यारोपित करना जानते हैं, सुपर इंपोज करना मिलाना, तो सेम फ्रीक्वेंसी, क्या दो की वेवलेंथ सेम हो सकती है? हो सकती है, अगर वो एक ही कलर की है तो सेम हो जाएगी वेवलेंथ। क्या इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए सेम वेवलेंथ होना जरूरी है? बिल्कुल, दोनों का वेवलेंथ सेम होना चाहिए, मतलब एक ही कलर की होनी चाहिए, तो ये इंटरफेरेंस। अब भाई सेम डायरेक्शन, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? समपोषी व्यतिकरण, केवल काम की बातें लेंगे अपन, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समपोषी व्यतिकरण, भाई एक का श्रृंग दूसरे के श्रृंग पर पड़े, क्रस्ट क्रस्ट पर पड़े, ट्रप ट्रप पर पड़े, तो उस केस में हम क्या देखते हैं? इंटेंसिटी बढ़ जाती है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू, या रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। और डिस्ट्रक्टिव विनाशी का मतलब क्या है? क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते थे? ए वन प्लस ए टू का होल स्क्वायर। ये ए वन ए टू क्या है? आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, आई वन बटे आई टू, ए वन बटे ए टू का होल स्क्वायर। आपको पता था, हमने एक बार एस एच एम जब आपको पढ़ाया था तो प्रूफ करवाया था, टोटल एनर्जी आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहां से ए प्रोपोर्शनल कितना आ जाएगा? रूट आई आ जाएगा। ये क्या है ये? तो ये लिख लेना एम्पलीट्यूड, आयाम, आयाम, ये को क्या कहोगे? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो कंस्ट्रक्टिव, यानी कंस्ट्रक्टिव पे आप देख रहे हैं इंटेंसिटी आपके पास, एनर्जी आपके पास एक्स्ट्रा आ गई। ध्यान है आपको, जब आपने एस एच एम पढ़ा था तो आपने पढ़ा था एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल आई थी? आयाम के वर्ग के। अगर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करें, विनाशी की बात करें, डिस्ट्रक्टिव की बात करें विनाशी की, तो आई मिनिमम रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे हैं आई वन प्लस आई टू माइनस टू रूट आई वन आई टू, तो जितना वहां प्रॉफिट हुआ था उतना ही नुकसान हो गया। तो अपन क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। अगर दोनों को हम डिवाइड करें आई मैक्स अपॉन आई मिन, सिंपल क्वेश्चन बनता है, इस पर कोई ऐसा खतरनाक क्वेश्चन नहीं बनेगा कि आपको दिक्कत आए। होल स्क्वायर और ए वन प्लस ए टू, ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। अपॉन में भी बना सकते हैं आई वन बटे आई टू प्लस वन, आई वन बटे आई टू माइनस वन, और फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए इसमें? फाई बराबर टू एन फाई, ये फेज डिफरेंस, फेज कलांतर, और पथांतर कितना होना चाहिए? तो आप ये बात जानते हैं, फाई बराबर के एक्स, ये हमने बता चुके हैं, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा अपॉन टू पाई इंटू फाई, टू एन फाई। इसको ऐसे याद कर लेते हैं, लैम्डा बाई टू का समगुणक या एन लैम्डा, टू से टू काट दो,
लेकिन ऐसे याद करते हैं, इवन कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाय 2, डेल्टा एक्स क्या पाथ अंतर, पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स क्या पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा एक्स बराबर 2n इनटू लैम्डा बाय 2, लिख लीजिए 2n इनटू लैम्डा बाय 2, फाई बराबर 2n पाई, फेज डिफरेंस लिख ले, पाथ डिफरेंस लिख ले, फेज डिफरेंस लिख ले, ये डेल्टा एक्स क्या पाथ डिफरेंस, पथांतर, तो n लैम्डा बोलो या 2n लैम्डा बाय 2, तो कई बार फेज डिफरेंस तो हमें याद रहता है लेकिन हम ये भूल जाते हैं। अगर मिनिमम की बात करें तो उस केस में, डिस्ट्रक्टिव के केस में आता है 2n माइनस 1 इंटू पाई, अगर आप n बराबर 0 लेते और पाई बराबर 2n प्लस पाई, 0 1 2 आगे, तो अगर n बराबर शुरुआत करते हो आप अगर n शुरुआत करते हो 0 से, वो दे लो ऑप्शन से दे लिया हो, मेन जो फॉर्मूला आता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, इसमें वैल्यू रख के देख लेते हैं, रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। तो आपको जैसे अगर रोड पर एक कोई तेल की बूंद गिर गई है, वो पतली फिल्म बन गई, वो कलर क्यों दिख रही है, तो वो इंटरफेरेंस के कारण कलर दिख रही है, और उसकी थिकनेस पूछी जाए तो 1 माइक्रोन। फिजिक्स में थिकनेस का एक तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, एक डिप्लेशन लेयर में पूछा जाता है, दोनों की थिकनेस 1 माइक्रोन होती है। तो यहां पर कितना आ जाएगा, फाइव बराबर के एक्स, के की जगह 2π/λ, तो 2n प्लस माइनस 1, एक्स बराबर लैम्डा अपॉन 2π का विषम गुणा, विषम गुणा ऐसे याद करते हैं, विषम गुणा लैम्डा बाई 2 का विषम गुणा, पाई से तो कैंसिल, पाई तो कैंसिल ही होगा, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, वो लैम्डा बाई 2 का समगुणक आया था, इवन कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाई 2, ये ऑड कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाई 2 आया, ऑड कोएफिशिएंट ऑफ लैम्डा बाई 2। अगर हम फ्रिंज विड्थ की बात करें, फ्रिंज चौड़ाई, इसके लिए इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बाई डी एस ई यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फ्रिंज चौड़ाई, तो एक सोर्स है ये, और इसी से ये दोनों सोर्स बने हैं, इसी से बनाए गए ये दोनों सोर्स, इसको स्मॉल डी कह दिया, ये पर्दा है, पर्दा, पर्दा कैपिटल डी से लिखना, पर्दा को ऊपर लगा देना बेटा, स्क्रीन, तो या तो दो लगातार ब्राइट फ्रिंज ले लो या दो लगातार डार्क, यहां पर सेंटर पर जैसे चमकीली फ्रिंज आ गई, चमकदार पॉइंट आ गया, तो ऐसे दो लगातार ब्राइट लो या दो लगातार डार्क लो, अंधेरे बिंदु काले बिंदु, उनके बीच का डिस्टेंस कहलाता है फ्रिंज विड्थ। जैसे चमकीले के लिए दूरी होती है एन लैम्डा डी अपॉन डी, ये लगातार ले लिया, दोनों का डिफरेंस कर दो, दोनों का डिफरेंस कर दो, तो ये आ जाएगी फ्रिंज विड्थ, बीटा, बीटा प्रोपोर्शनल पर्दा, पर्दा ऊपर लगाओ और स्मॉल डी नीचे, नाम ही स्मॉल डी नीचे पटक दो, तो पर्दा, हम इस पर बेसिक क्वेश्चन चले आते हैं, किसकी फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, फ्रिंज में आपको एक शब्द मिल रहा होगा आर, रेड, तो रेड की फ्रिंज विड्थ ज्यादा, क्यों, रेड का वेवलेंथ ज्यादा। अब आपको पता है यंग ने तो एक्सपेरिमेंट हवा में कर लिया, अगर पानी में करते तो लैम्डा कम हो जाता, फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाती, ये सेंट्रल फ्रिंज से एन ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस है, एन लैम्डा डी अपॉन डी, याद हो जाए तो कर लेना, ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ याद कर लो, होती क्या फ्रिंज विड्थ,
दो लगातार ब्राइट या दो लगातार डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस होता है। बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी, कैपिटल डी ऊपर आएगा, कैपिटल डी क्या है पर्दा, और स्मॉल डी क्या है झर्रियों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की डिस्टेंस। पर्दा ऊपर लगा दो, अगर हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ की बात करें, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कोणीय फ्रिंज चौड़ाई इसको थीटा से लिख लेना, लैम्डा तो आपको पता है ऊपर आता है, स्मॉल डी नीचे आता है, बस इतना ही। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं बीटा बराबर लैम्डा डी अपॉन डी, तो लैम्डा अपॉन डी कितना हो जाएगा बीटा अपॉन डी, बस एक बार याद कर लेना एंगुलर फ्रिंज विड्थ कोणीय फ्रिंज चौड़ाई। लैम्डा तो ऊपर ही आएगा क्योंकि फ्रिंज रेड की ज्यादा होती है ना, लैम्डा अपॉन डी, लैम्डा ऊपर ही आएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो अगर ये प्रयोग मीडियम में करते, इफेक्ट ऑफ मीडियम माध्यम का प्रभाव, माध्यम का प्रभाव, इसमें कुछ बातें हम आपको सिखा चुके थे, जैसे सी सी अपॉन म्यू हो जाएगा, मीडियम को म्यू से लिख रहे हैं, लैम्डा लैम्डा बटे म्यू हो जाएगा, जैसा लैम्डा वैसे बीटा, वैसे थीटा, थीटा जैसे बीटा वैसा लैम्डा थीटा, और वैसी हाइट जैसे एक बर्तन की तली आपको 12 मिलीमीटर पर दिख रही है, पानी रख दिया तो कितनी कहां पर दिखेगी, तो म्यू मीडियम, तो ये मीडियम का प्रभाव है। लेकिन एक चीज थी जो अपरिवर्तित रहती थी, फ्रीक्वेंसी आ रही आगे आ रही, आ रही मतलब रिमेन अनचेंज, तो आवृत्ति अपरिवर्तित, आवृत्ति अपरिवर्तित, आवृत्ति अपरिवर्तित ले लेना, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति में अपरिवर्तित छुपा हुआ है, इफेक्ट ऑफ मीडियम। क्या आपको फ्रिंज में आर का साउंड आ रहा है, क्या फ्रिंज में आर का साउंड आ रहा है, क्या आर को फ्रिंज में आर का साउंड आ रहा है। देखिए यानी इससे आपको पता पड़ा था, आप ये पहले जानते थे लैम्डा, लैम्डा सेम मतलब एक ही वेवलेंथ, एक ही कलर की वेवलेंथ है, मतलब लैम्डा सेम, एक कलर मतलब लैम्डा एक, बीटा फ्रिंज में आर का साउंड आ रहा है, लैम्डा में लाल आ गया। अब देखो आप लोगों ने ज्यादा याद कर ली, कई बार वो कम पूछ लेते तो कम बता देना उसमें क्या अंतर पड़ता है, कम बता देना। एक हमने आपको लिमिट बताई थी, रिजॉल्विंग लिमिट, लिमिट में लाल आ रहा है, लाल रिजॉल्विंग लिमिट, ये भी रेड किया था। लिमिट इसके साथ सीमा लिख दें, सीमा लाल किया। एक हमने आपको फोकाल बताया था, फोकाल काल में लाल आ गया था, फोकाल फोकल, फोकल लेंथ किसकी ज्यादा है, लाल की, काल में लाल आ गया था, कान में लाल आ गया था, तो ये लिख लें। और एक क्रिटिकल एंगल बताया था, क्रिटिकल में आर शब्द आ रहा है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, क्वेश्चन सुन लीजिए वन लाइन वाले, क्रिटिकल एंगल किस कलर का ज्यादा होता है, फ्रिंज विड्थ किस कलर की कम होती है, रिजॉल्विंग लिमिट किस कलर की ज्यादा होती है, लैम्डा किस कलर का ज्यादा होता है,
फोकल लेंथ किस कलर की ज्यादा? फोका लाल। तो ये एक क्वेश्चन नहीं लिखा है, ये आठ क्वेश्चन लिखे हैं, किसकी ज्यादा किसकी कम। ठीक है, फोका लाल। क्रिटिकल में देखो, क्रिटिकल में आर शब्द छुपा है, फ्रिंज में आर शब्द छुपा है, ये दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहे हैं। अब बात करें वॉयलेट का क्या क्या ज्यादा होता था, तो म्यू भी जो पूछ जाते हैं, अपवर्तनांक है ये, अपवर्तनांक है ये, प्रकीर्णन है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, ये डेविएशन है, डेविएशन में भी छुपा है, जैसा डेल्टा वैसा म्यू, और आई प्रकीर्णन की तीव्रता, रेले ने बताया था, क्या तुम्हें याद है ये फॉर्मूला, और रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, ये याद कर लेना। आई क्या है? प्रकीर्णन। तो किस कलर का क्या ज्यादा होता है, किस कलर का क्या कम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये रिजॉल्विंग पावर है, विभेदन क्षमता, क्षमता है। ठीक है, अगर अपन सात क्वेश्चन ये भी लिख लेना, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, नॉन प्रोग्रेसिव वेव, जो प्रोग्रेस ना कर पाए, यदि कुएं में पत्थर फेंक दिया क्या वो प्रोग्रेस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, टकरा के लौट के आएगी, अप्रगामी तरंगे। या एक तार को बांध दिया सितार में, गिटार में, पाइप में हवा फेंक रहे हैं, क्या हम इसको स्टेशनरी कह सकते हैं? कह दो स्टेशनरी वेव, स्थिर तरंग। तीसरा बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम, बर्नौली प्रमेय, किरचॉफ में कौन सा आएगा बताइए? किरचॉफ्स में सेकंड, किरचॉफ द्वितीय। और देखिए भाई ये होता क्या है, सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, ओम स्लो जैसा होता है, तो इसमें ओम स्लो भी लिख देना, ओम स्लो, ओम का नियम, ओम का नियम अगर पूछे तो इसमें ही रख देना। ठीक है, चार्ज मत कंजर्व करना, एनर्जी कंजर्व करना, इसमें भी सिग्मा आई आर इज इक्वल टू सिग्मा ई, हालांकि आइडियल केस होता है फाइव, फेराडे। सिक्स लेंज, और सेवन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो ओम्स लॉ बिल्कुल किरचॉफ सेकंड लॉ ही है, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई बी इक्वल टू आई आर, तो इसके अंतर्गत ही रखना। बर्नौली थ्योरम, जो स्प्रेयर वगैरह होते हैं, जो स्प्रे डीओ वगैरह करते हो, पेंट मशीन आती है, ये सब इस पर आधारित होते हैं, बर्नौली थ्योरम पर। फेराडे किसका यूनिट है? तो फेराडे चार्ज का यूनिट है, आपको पता है, बन फेराडे 6500 कूलम, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये लिखते हैं, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ये सब किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर। एक फ्रिंज विजिबिलिटी होता है, फ्रिंज दृश्यता, फ्रिंज दृश्यता, हालांकि ये पूछा नहीं जाता कभी, फिर भी अपना जाके आ रहा है, याद कर लेना, टू रूट आई वन आई टू अपॉन आई वन प्लस आई टू, कभी पूछ ले।
फ्रिंज विजिबिलिटी, फ्रिंज दृश्यता, फ्रिंज विजिबिलिटी, कभी पूछ रहे फ्रिंज विजिबिलिटी, फ्रिंज दृश्यता का फॉर्मूला लिख लो, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसकी एक ही लाइन लिखेंगे हम, तीक्ष्ण धार वाले किनारों से प्रकाश का मुड़ना, धारों वाले किनारों से प्रकाश का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ रेज बाय 60 पेजेस, बेंडिंग ऑफ रेज बाई 60, जैसे चाकू वगैरह होता है, हाँ फेराडे चार्ज होता है, फेरेड कैपेसिटी होता है, ये कई बार बता चुके हैं, एग्जाम डेट आ गई, ये तो पहले ही आ गई थी भाई, अपन ने पूरा एग्जाम के हिसाब से ही कराया है, 4 नवंबर के हिसाब से पूरा तैयार करा दिया है कोर्स, आप लोग ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगाएं, क्रैश कोर्स की क्लास पूरी बना दी गई है सही समय पे, 14 को आपका कंप्लीट हो रहा है क्रैश कोर्स, 15 से आपका मॉडल पेपर चालू हो रहा है, 35 मॉडल पेपर कराएंगे केवल, अब देखिए पोलराइजेशन किसमें होगा, ध्रुवण, तो एक इसकी प्रॉपर्टी पोलराइड के चश्मे, तो लाइट की प्रॉपर्टी है प्रकाश की, और इसी घटना को समझाने के लिए प्रस्थ प्रकाश को प्रस्थ माना गया, अणु, तो लाइट सेम नहीं है, लाइट सेम नहीं है, सेम नहीं है मतलब लाइट लॉन्गिट्यूडल नहीं है, टी से क्या है ट्रांसवर्स, ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, अगर ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन है आईपी और ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रेक्टेड के बीच 90 का एंगल है, तो अपन क्या कहेंगे म्यू बराबर 10 आईपी, इनके बीच 90 एंगल हो तभी सही है, ब्रूस्टर लॉ, और पढ़ने के लिए तो इसमें बहुत है लेकिन आपको इतने से क्वेश्चन मिल जाता है तो 12th में भी बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते इसको, यहां पर भी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया है, ब्रूस्टर का नहीं, तो आइगन ने पहले प्रकाश को अनुदैर्ध्य मान लिया था, वेव नेचर मान लिया था, वेव में क्या होता है साउंड को लॉन्गिट्यूडनल माना अनुदैर्ध्य, उसी तरह लाइट को भी मान लिया, लेकिन बाद में पोलराइजेशन को समझाने के लिए, ध्रुवण को समझाने के लिए अनुप्रस्थ माना गया, तो क्या ये साउंड में होता है पोलराइजेशन, नहीं, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसवर्स वेव की है, इंटरफेरेंस तो दोनों की प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों की प्रॉपर्टी है, डॉपलर इफेक्ट भी दोनों की प्रॉपर्टी है, अब क्वेश्चनों के सारे आपको समझा देंगे, क्वेश्चनों 4 से 8 नवंबर पेपर डेट है, इसी पैटर्न पे चल रहा है कोर्स 20 दिन से, हाँ ये देखिए किस रंग के लिए प्रकाश की फ्रिंज चौड़ाई मिनिमम होगी, और जो छूट जाएगा वो सब मिसलेनियस में आ जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें, जो संडे को मैराथन चल रहा है उसमें आ जाएगा जो छूटा हुआ कोर्स है, तो बताइए अभी तो आप याद रखने की कोशिश करें कि क्या है मिनिमम होगी, अब ये जरूर देखना, ऐसा नहीं कि फ्रिंज चौड़ाई देगी आर फॉर रेड, रेड के लिए ज्यादा नहीं, उन्होंने मिनिमम पूछा है, मिनिमम मिनिमम न्यूनतम किस तरह की होगी, तो आप क्या कहेंगे वॉयलेट के लिए, आप तो ये लगा दीजिए बिबियो, इसमें आर का साउंड आ रहा है, रेड के लिए तो ज्यादा हो गई तो इधर कम हो जाएगी, वॉयलेट के लिए कम हो जाएगी, तो वॉयलेट
ए आंसर तो ये जरूर देख रहा है वहां कम पूछा है कि ज्यादा पूछा है। नेक्स्ट देखिए, व्यतिकरण की घटना प्राप्त होती है, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण करना है तो दो वेव का मिलना है। व्यतिकरण के लिए क्या होता है तो आप कहेंगे व्यतिकरण में दो वेव मिलती हैं, व्यतिकरण में दो वेव मिलती हैं, और जो संडे की मैराथन क्लास नहीं ले पाया है अभी तक, चार क्लास हो चुकी हैं, फिर भी कई बच्चे छूटे हुए, दोस्तों को बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है वो, कल फिर से एक और मैराथन संडे की क्लास है, पांचवी क्लास है वो। ऐसी कितनी क्लास लोगे? आठ क्लास, पहले ही वादा कर दिया था, वो नवंबर के पेपर के हिसाब से ही वादा था, आठ क्लास और 35 पेपर और 30 क्रैश कोर्स की क्लास है, इतना बहुत है। तो ये तो भाई वेव की प्रॉपर्टी है, दो वेव का मिलना है। तो देखिए, चाहे अंदर हो, चाहे लाइट हो, साउंड हो, डी आई, तो ये वेव की प्रॉपर्टी है, ये वेव की प्रॉपर्टी है, साउंड में भी होता है इंटरफेरेंस, तो इसका आंसर डी आएगा, डी आंसर है। प्रदीप धाकर डी बता रहे हैं, इंद्र सिंह डी बता रहे हैं, ये हो गया। नेक्स्ट बताइए, थर्ड ब्राइट के लिए तो आपको पता है फाई इज इक्वल टू 2n पाई, क्या तुम्हें याद है? ब्राइट के लिए तीसरी चमकीली, n बराबर 3 रख दोगे तो ब्राइट मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डी आएगा 6 पाई। नेक्स्ट बताइए, चौड़ाइयों का अनुपात है मतलब इंटेंसिटी का रेशियो है, तो इंटेंसिटी चमक का रेशियो है 4:9, या तो इससे एम्पलीट्यूड निकाल लीजिए या डायरेक्ट आई मैक्स बटे आई मिन भी निकाल सकते हैं। √I1 + √I2, एक बार प्लस करो, एक बार डिफरेंस कर दिया करो, ये देखिए 2 + 3 2 - 3 25/1 सी हो जाएगा। सी हो जाएगा 25/1, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, एक वर्ण तरंग का क्या अंतर है? बताइए तो सी हो जाएगा, एक वर्ण का मतलब एक ही वेवलेंथ, एक जैसा वेवलेंथ, एक वर्ण मतलब सिंगल वेवलेंथ, एक जैसा वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ एक हो, λ1/λ2 दिया है, पर्दे से दूरियों का अनुपात पूछा है, ये सेम है, पर्दे से दूरी, पर्दा कहां है? ऊपर है, d1/d2 λ2/λ1, फ्रिंज सेम है, ये सेम है, वेवलेंथ का रेशियो दिया है 2:1 हो जाएगा, और ये स्लिट का विस्थापन का रेशियो दिया है, दोनों स्लिटों का 4:1 आएगा, ये आएगा। d1/d2 कितना है? 2:1, और वेवलेंथ का रेशियो 1:2, तो ये भी 2:1। पर्दा, हाँ बताइए, 4:1 आ रहा है, ए आएगा भाई, ये बी क्यों बता रहे हैं? कल्पना सिंह बी क्यों बता रहे हैं भाई? ए आएगा, प्रदीप कुमार धाकड़ ये बता रहे हैं, ललित पढ़ रहे हो कि अरे बेटा आपस में बातें मत करो, पीडीएफ कहां मिलेगी? हमारे नंबर पे मैसेज करना, या इनमें जो लड़की हैं उनसे नंबर पूछ लो, उनसे मैसेज कर लो, उनके ग्रुप में शामिल हो जाओ, इस नंबर पर मैसेज करना, फिर वेट करना, फिर मैसेज करना, फिर वेट करना, तो ऐसे 2-3 बार करोगे तो आपको पीडीएफ जरूर मिल जाएगी।
कई बार हम अन्य कामों में व्यस्त हो जाते हैं, क्लास क्लासेज में, तो एक दो बार आपको मैसेज जरूर करना पड़ता है, लेकिन मिलती है ऐसा नहीं। किसी व्यतकरण प्रयोग में क्रमागत उच्चिष्ट या निम्निष्टों के मध्य की दूरी, ये देखिए दो क्रमागत उच्चिष्ट और निम्निष्टों के बीच की दूरी, उच्चिष्ट का मतलब ब्राइट वाले पॉइंट, तो दो लगातार ब्राइट और दो लगातार डार्क को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, बराबर बीटा। दो लगातार ब्राइट और डार्क को क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ, कैपिटल डी ऊपर आएगा, पर्दा ऊपर, ये पर्दा कहां लगा हुआ, ऊपर लगा हुआ है, तो लैम्डा डी अपॉन डी। ये देखिए बताइए, तरंग एक स्थान, अरे क्या है तरंग, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बताइए तरंग क्या भेज रही है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यानी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, रास्ते में क्या है ये, तो सब एनर्जी है। वेव क्या है, एनर्जी है, एनर्जी। और ऑप्शन में कभी भी एनर्जी आंसर दिया जाए तो थोड़ा ध्यान रखा करो, आयामों का अनुपात, तीव्रताओं का अनुपात दिया, कुछ नहीं कर रहे, केवल डायरेक्ट, अगर इंटरफेयर होती तो आप फॉर्मूला लगाते, अभी तो डायरेक्ट कर दो, आई प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, रूट कर दो, केवल रूट कर दो, डी कर दो, और जब इंटरफेयर होती तो अपन करते सो। नेक्स्ट बताइए, एक देखो यंग के प्रयोग में एक रेखा छिद्र को नीले फिल्टर से तथा दूसरे को पीला, अब या तो दोनों को नीला कर दो या दोनों को पीला कर दो, आपको पता है इसमें क्या दिक्कत थी, फ्रीक्वेंसी सेम फेज डिफरेंस, तो या तो दोनों को नीला लो या दोनों को पीला लो, तो आप क्या कहेंगे, दोनों एक ही कलर की होनी चाहिए भाई, डी, तभी तो दोनों सोर्स को एक ही से पैदा करते थे, दोनों में कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, डी। इलेवन देखिए, डिस्टेंस को डबल कर दिया, पहले 2W है, फ्रिंज चौड़ाई का नाम क्या है, 2W, ये तो डी को डबल कर दिया तो फ्रिंज चौड़ाई, तो बीटा, पर्दा कहां है, पर्दा कहां है, पर्दा ऊपर है, पर्दा कहां था, ऊपर, पहले फ्रिंज चौड़ाई की है 2W, प्रोपोर्शनल क्रॉस बदल दो, पर्दे को दूरी को दुगना कर रहे हैं, तो 4W आ जाएगा, बिकम्स 4W, ये देखिए डी होगा, पहले 2W दिया है, ध्यान रखना पहले W दे देते तो 2W आ जाता, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, और अगर कोई फॉर्मूला आपसे नहीं बन रहा है तो आप भूल जाते हैं कि हमने डायमेंशन भी पढ़ रखा है, डायमेंशन से सॉल्व कर लिया करें, तो टाइम पूछा है, टाइम, तो आपको बेसिक फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड तो दी है सी, डिस्टेंस एल, और टाइम को टी से लिख लो, तो एल वाई सी, टाइम पूछा है, टाइम एल वाई सी, डायमेंशन से भी कर लेते, एल एल टी माइनस, ये आगे। नेक्स्ट बताइए, एक स्लिट बंद कर दी जाए, तो जैसे ही एक स्लिट बंद करेंगे, पहले देखो आपको पता है दो स्लिट हैं और एक जैसी है, एक जैसी चौड़ाई की है, तो अगर 1+1 मानेंगे तो 2 हो गया, यानी पहले इंटेंसिटी कितनी है भाई, I0, 4I0 हो जाएगी, अब बाद में एक बंद कर दी तो अब तो I0 ही रहेगी, इसकी कितनी है, चौथाई है, पहले वाले की कितनी है, चौथाई रह गई, अरे बी होगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट लगा दें, 1/4 quarter, चौथाई रह जाएगी, इंपॉर्टेंट, अरे पहले दो सोर्स है तो इंटेंसिटी कितनी बनेगी, एक की एक है, तो 1+1
टू उसका स्क्वायर फोर, अब एक ही रह गया। अरे पहले इंटेंसिटी मान के चलो वन वन मान लिया हमने, तो आई वन प्लस आई टू का होल स्क्वायर वन प्लस वन टू, टू का स्क्वायर फोर हो गया। अब बाद में तो केवल वन ही रह जाएगी ना, तो पहले का कितना चौथा ही रह गया कि नहीं रह गया। अरे स्क्वायर में चल रहा है भाई, पहले दोनों की इंटेंसिटी एक एक मान लो, एक एक दो, दो का स्क्वायर चार, बाद में तो एक ही रह गई, एक को हटा दो। एक चौथा ही रहेगी, आप ये मत सोचना आधी रह जाएगी, ऐसे भी कर सकते हैं, फिजिक्स के ज्यादातर फॉर्मूले स्क्वायर में चलते हैं। एक हटा दी तो आप ये मत सोचो आधी रह जाएगी, चौथा ही हो जाती है, क्वार्टर में जाएगी। ये देखिए बरसात के दिनों में, लगाओ इंपॉर्टेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, बरसात के दिनों में जल पर बनी, जैसे बरसात में पांच तेल की बूंद गिर जाए मान के चलो, तेल फिल्म, फिल्म दिखती है ना वो, तो कलर दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? इंटरफेरेंस। व्यक्त का रट लो बिल्कुल, इंटरफेरेंस। प्रकीर्णन के स्कैटरिंग के हमने चार बताए थे आपको, आकाश नीला खतरा लाल, सनराइज और सनसेट के समय रेड इज, और टिंडल इफेक्ट, वो हमने यहां बताया था प्रकीर्णन में, स्कैटरिंग में। ठीक है, हो गया। एब्जॉर्प्शन, ये क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण। तो इससे आपने देखा होगा फ्रॉनहोफर लाइन बनती है, फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर साइंटिस्ट थे क्या, जब लाइट आती है सेंटर से तो बीच में क्या होता है, बाहर के आवरण पर जो तत्व होते हैं वो उसके कुछ मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहां पर डार्क स्पॉट आ जाते हैं, उनको बोलते हैं फ्रॉनहोफर लाइन। फ्रॉनहोफर ने खोजा था सूर्य में क्या है, फोटोस्फीयर से लाइट आई, अब बाहर आएगी तो कुछ एब्जॉर्ब हो गया, उसकी जगह डार्क पॉइंट बने। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन, बताइए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए लैम्डा वाई टू का समगुणक याद किया था आपने, टू से टू काट दो लैम्डा वाई टू का, अरे क्या कंस्ट्रक्टिव चाहिए, तो एन लैम्डा हो तो क्या सी हो गया, इसको ऐसे भी दे सकते थे 2n into lambda by 2, ऐसे भी दे सकते थे। नेक्स्ट बताइए कला संबद्ध का मतलब क्या है, कला संबद्ध का मतलब क्या है, सी अलग दिखेगा, कला स्थिर हो, एक ही वेवलेंथ की, हमने आपको था एक ही कला, एक ही वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड तो अलग अलग हो सकता है, A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी, कला स्थिर, कला स्थिर। बताइए एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी, कहां रख रहे हो, पानी में, तो हमने आपको बताया एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, थीटा बराबर लैम्डा, ऊपर आता है लैम्डा के अनुसार चलेगा, लैम्डा के ऊपर सन, ऊपर पर्दा भी आता है लैम्डा आता है इसमें, थीटा अपॉन म्यू, बीटा अपॉन म्यू, तो थीटा अपॉन म्यू, थीटा को देखो आप और म्यू रख दो, म्यू कितना है भाई, कहां रख रहे हो इसको, पानी में, पानी की कहानी 4/3, क्या याद है तुम्हें, 4 × 4 बी आएगा, अरे बी आएगा बेटा, पानी का अपवर्तनांक याद रखना, पानी का अपवर्तनांक याद रखना। कौशल श्रीवास बेटा सी क्यों बता रहे हो, और ये आपको याद होना चाहिए लैम्डा के अनुसार चल रहा है तो लैम्डा ऊपर आएगा, याद रखने के तरीके होते हैं फॉर्मूलों को, लैम्डा ऊपर आएगा इसमें, थीटा अपॉन म्यू, बीटा अपॉन म्यू, स्पीड अपॉन म्यू। बताइए कैसे पता पड़ा लाइट ट्रांसवर्स है, तो रट लो बिल्कुल, ध्रुवण, इस घटना को आइगन ने पहले लाइट को लॉन्गिट्यूडनल मान लिया, उन्होंने कह दिया एल फॉर लाइट, लाइट एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल, लेकिन बाद में पोलराइजेशन को समझाने के लिए प्रकाश को अनुप्रस्थ माना गया,
यहां से इसका साउंड से अलग बिहेवियर चालू हो गया। बताइए अधिकतम और न्यूनतम, अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेना, 2+1, 2-1, ये सेकेंडों में हो जाना चाहिए, 9/1 ये आ गया। अरे ए आएगा बेटा, बी क्यों ला रहे हैं, ए आएगा। उज्जवल कुमार ये बता रहे हैं, अनुज प्रसाद ये बता रहे हैं, अमित ए बता रहे हैं। नेक्स्ट बताइए, एक कभी कभी न्यूमेरिकल भी कर लिया करें तो न्यूमेरिकल पे आ जाओ, डर नहीं लगना चाहिए। कई बच्चों को न्यूमेरिकल से डर लगता है, आपको डर नहीं लगना चाहिए क्योंकि पहले बहुत न्यूमेरिकल कराए हैं, 4 मिलीमीटर -3 मीटर, लैम्डा डी अपॉन डी, तो 4 into, ये आपका डर खत्म करने के लिए इतने न्यूमेरिकल कराए थे, लैम्डा डी अपॉन डी। ये देखिए स्लिटों के बीच की दूरी -4 हो गया, ये -4 कैंसिल हो गया डी, तो 1 मीटर आ गया, डी आ गया। बीटा कितना है भाई, 4 मिलीमीटर, ठीक है। लैम्डा कितना है, 4 into -7, ठीक है। डी अपॉन स्मॉल डी कितना है, 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। -4, ये -3 बचेगा, -3 से -3, 1 मीटर आएगा भाई, डी आएगा। अब आप लोगों को इतने न्यूमेरिकल करा दिए गए हैं कि अब आपका न्यूमेरिकल से डर खत्म हो जाना चाहिए। कई बच्चों ने 11th में बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं किए, 12th में बिल्कुल न्यूमेरिकल नहीं किए, डेरिवेशन की हेल्प से वो सब लोग 12th में डिस्टेंशन लगा के लाए। फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर डिस्टेंशन की बदौलत और प्रैक्टिकल मार्क्स की बदौलत, न्यूमेरिकल को तो देखते ही छोड़ दिया, डेरिवेशन किया, नंबर लाए। तो उस डर को दूर करने के लिए न्यूमेरिकल, अथवा में भले एक लाइन का न्यूमेरिकल हो, देखते ही नहीं थे, उसको छोड़ देते थे। उस डर को दूर करने के लिए आपको खूब सारे न्यूमेरिकल कराए गए। आपको लग रहा होगा इतने न्यूमेरिकल क्यों करा रहे हैं, जिससे अब आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाए तो 12th जैसा ना हो, को देख के हटा दो, नहीं, उससे पहले लड़ो। तो आप न्यूमेरिकल से पहले लड़ो, इसलिए आपको इतने न्यूमेरिकल कराए गए। अब देखो न्यूमेरिकल आ गया, आप एकदम से खुश हो जाते हैं, मजा आने लगता है आपको, न्यूमेरिकल आ गया। और 12th में उल्टा होता था, अरे न्यूमेरिकल आ गया, छोड़ो। उज्जवल कुमार सब कुछ करा दिया गया है, जब हम करा रहे थे तब तुम थे नहीं यहां, तब तुम दूसरे चैनल पे थे, अब तुम हमारे पुराने वीडियो देखो, क्रैश कोर्स वाले, मैराथन क्लास वाले तुम्हें जरूर मिलेंगे। बताइए बताइए अब बताइए, कला संबद्ध का मतलब क्या है, कहां से प्राप्त किए जाएंगे, एक पॉइंट सोर्स से, एक ही से प्राप्त करते हैं, ये दोनों एक ही के बच्चे हैं, ये एक पॉइंट सोर्स था उससे ये प्राप्त किए गए थे, ध्यान है, एक पॉइंट सोर्स, ये पॉइंट सोर्स था, ये दोनों एक ही पॉइंट सोर्स से प्राप्त किए गए थे। बताइए क्या तुम्हें E के फॉर्मूले याद हैं, E बराबर HU, E बराबर HC अपॉन लैम्डा, E बराबर PC, तो न्यू बराबर कितना आता है, C अपॉन लैम्डा, सब जगह जरूरत पड़ती है, C कहां है, 3 into 10 to the power 8, लैम्डा कैलकुलेट करना है, न्यू कितना है, 100, तो 3 × 10^6 कर दे, बोलो बी आएगा। तो ये बिल्कुल रट के रखो, E बराबर PC, E बराबर HU, E बराबर HC अपॉन लैम्डा, E बराबर PC, E बराबर HU, E बराबर HC अपॉन लैम्डा, रट के रखो। बताइए दो लगातार ब्राइट, चाहे लगातार काली पूछे, चाहे दो लगातार ब्राइट पूछे, फ्रिंज विड्थ पूछा है, तो लैम्डा डी अपॉन डी देखते ही उड़ा दो तुरंत, 6000 angstrom - 10, तुरंत कैलकुलेशन होना चाहिए। पर्दा कहां है, पर्दा कहां है, 1 मीटर पर पर्दा है और ये 0.6 मिलीमीटर होगा, 6 से 6 काट दो, ये -4 पहुंचा ऊपर,
चारों तीन सात और ये माइनस तीन यानी एक मिलीमीटर, देखते ही किया करो। ठीक है, फास्ट और न्यूमेरिकल देखते ही मजा आ जाए। ये देखो तरंगाग्र से तात्पर्य, तरंगाग्र समझते हैं क्या आप लोग? यदि ये पॉइंट सोर्स है, इससे ये वेव निकली, ये तरंगाग्र का मतलब इस पर जितने भी पार्टिकल होंगे सेम फेज में होंगे, जितने भी कण होंगे सेम फेज, और इनके बीच एंगल पूछे तो 90। कॉमन पोटेंशियल जैसा है, यदि उससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती थी संभव पृष्ठ से, तो सभी कण यदि वहां सबका पोटेंशियल सेम होता था, ऐसे ही सबका फेज सेम होगा यहां पर, तो इसमें सभी कण समान कला में होते हैं। ये देखिए, ए ऑल पार्टिकल्स इन इट हैव सेम फेज, ऑल पार्टिकल्स इन इट हैव सेम फेज। नेक्स्ट बताइए, तरंगाग्र की दिशा जैसे लाइन निकलती थी ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, आपको ध्यान होगा ये 90 डिग्री बोलते थे आप, और यहां पर सेम पोटेंशियल होता था, ऐसे यहां पर सेम फेज होता है, ये फोर्स है, ये सेम फेज होता था, और ये 90 डिग्री इनके बीच एंगल होता। ये देखो परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखिए, किस कलर के लिए मिनिमम है, तो आपको दिख रहा होगा वॉयलेट दिख रहा होगा, मिनिमम मैक्सिमम फ्रिंज में आर छुपा है, रेड के लिए ज्यादा लगाओ बेटा। देखिए ये ज्यादा हो गया, तो ये देखिए हाँ ग्रीन से पहले आ रहा है बेटा, ब्लू तो ग्रीन से पहले आ रहा है, इसके लिए कम होगी ना, नीला बैगनी कम। बताइए फ्रिंज चौड़ाई वही चाह रहे हो, पर्दा दूर कर दो। ये देखिए क्या हो रहा है, स्लिटों के बीच की दूरी दुगनी, ठीक है स्लिटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी, क्या फ्रिंज चौड़ाई वही चाह रहे हो, तो इसको भी दुगना कर दो, सी हो जाएगा, अरे सी होगा जैसा, अरे जैसा ये किया वैसे इसको कर दो, कट जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, आयामों का अनुपात दिया है अधिकतम और न्यूनतम, तो अधिकतम और न्यूनतम शब्द आ गया, मतलब इंटरफेयर हो गए होंगे, चार तीन सात, ए वन प्लस ए टू, ए वन माइनस ए टू, सात का स्क्वायर 49 और एक का स्क्वायर 49 बटे एक, सी हो गया। नेक्स्ट बताइए, हाँ ये देखो फ्रिंज चौड़ाई, ऐसा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, गुने वाला क्वेश्चन जरूर आएगा, तो दूरी को आधी, ये नॉलेज करना चाह रहे हैं आपको, कुछ जानते भी हो गए यहां से, दूरी को आधी कर रहे हैं और वेवलेंथ को डबल कर रहे हैं, वेवलेंथ को डबल कर रहे हैं, तो फ्रिंज चौड़ाई चार गुणी सी, फोर टाइम्स हो जाएगा चार गुणी। नेक्स्ट देखिए, नीले से बैंगनी कर रहे हैं, बताइए वॉयलेट कर रहे हैं, वॉयलेट तो और पीछे हो गया, फ्रिंज चौड़ाई कम हो जाएगी, वॉयलेट तो सबसे कम होता है, डिक्रीजेज, ब्लू से वॉयलेट की तरफ जा रहे हो, कम हो जाएगी भाई। विवेक यादव तो चार क्या बता रहे हैं, आशीष भदौरिया चार क्या है ये, क्या पहले कोई क्वेश्चन था चार का, चार नहीं वो तो हो गया, ये देख डिक्रीजेज हो गया। बताइए, अरे मीडियम आ गया, कभी कभी मीडियम को एन से लिख देते हैं, कभी कभी मीडियम को एन से लिख देते हैं, अब आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा इस तरह के क्वेश्चनों में, अब आपको मॉडल पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आप करते जाओगे, मजा आएगा। तो बीटा मीडियम रख दिया, तो फ्रिंज चौड़ाई आपको पहले क्या होता है, टप टप चीजें कराना जरूरी होता है, थोड़ा कैलकुलेशन, थोड़ा आपका दिमाग चले, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आपको पहले ज्यादा तैयारी करनी होती है, पहले बहुत दौड़ना होता है,
जिससे आप आराम से एग्जाम को सिलेक्ट कर ले, आपको पेपर आसान लगे, अब न्यूमेरिकल वगैरह आपको आसान लगे। अब जो बच्चे अभी जुड़े थोड़ी सी दिक्कत आएगी उन्हें, बताइए 3 × 1/3 कर दी जाए तो फिर चौड़ाई, ये देखो स्लिटों के बीच की दूरी 1/3 कर दी जाए, देखो अब देखो इसको 1/3 करेंगे, पर्दा तो ऊपर रखो, इसको 1/3 करेंगे तो ये 3 × हो गई 3 बीटा, एन का मान क्या है, एन गुना बताओ, एन का मान 3 × कर दें, ए ए बेटा गलत मत कर देना ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट बताइए तीव्रताओं का अनुपात अधिकतम और न्यूनतम तुरंत कर दीजिए, रूट लीजिए 10+1 10-1 121 और 81, ये क्या हुआ, ऐसा करते हैं 120/80 करते हैं, 3/2 भी कर दें, इंग्लिश में क्या दिया है, अच्छा 100/1 क्या हुआ, दिक्कत कहां आ रही है बताओ, 3/2 अरे 120/80 मान लो, इंद्रेश सिंह कैसे, अरे 10 और 1 11 हो गए, 121 10 और 1 9 हो गए 81, इसको 120 मान लिया, इसको 80 मान लिया, लगभग मान लो उससे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए, अरे ये तो आप कर लो, साउंड में भी करते हुए आए हो ऐसे क्वेश्चन, एम्पलीट्यूड और कभी ए ए ए आ जाए 120 पर, 3 3 3 हो जाता 120 पर, 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 2a1a2 cos π/3 cos 60 1/2 27 √27 2a1a2 cos θ, a1 square a2 square plus 2a1a2 27 ही तो आ रहा है, बताइए √36 आ रहा है, 2a1a2 cos θ तो आ रहा है, अच्छा ये 4 और 3 है अरे 4 और 3 है 16 9 25 4 3 है 4 3 12 16 9 25, हमने 2 बार उसी को पढ़ लिया, 2 बार इसी को पढ़ लिया, ये 3 और 3 को 4 और 3 पढ़ना था, 16 9 25 2a1a2 25 और 12 37 हो जाएगा, 6 के आसपास लगा दो, बी लगा दो 6 बी हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट बताइए, देखो हमने बताया था डॉपलर दोनों में पाया जाता है, जैसे आपने वहां पढ़ा था ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, वेवलेंथ कम हो गई, ट्रेन दूर गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, लेमडा बढ़ गया, तो यार लेमडा के बारे में बात करेंगे, वहां फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ उल्टा चलती है ठीक है, तो ये तारे से प्राप्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का विस्थापन बैंगनी की ओर वॉयलेट की तरफ, वॉयलेट का आपको पता है लेमडा कम हो गया, लैम्डा कम हो गया मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, लैम्डा कम हो गया मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब क्या, सोर्स आपकी तरफ आ रहा है भाई, बैगनी मतलब वॉयलेट कलर आ गया मतलब लैम्डा कम हो गया, लैम्डा कम हो गया मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई मतलब सोर्स आपकी तरफ आ रहा है, तो पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो मूविंग टुवर्ड्स अर्थ बी, ये बात सबको समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई ये बात, तो सोर्स आपकी तरफ आता है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम, सोर्स दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम
वेवलेंथ ज्ञात बताइए। ए यदि एक प्रकाश स्रोत स्थिर प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो आवृत्ति बढ़ती हुई, आवृत्ति प्रेक्षक से दूर जा रहा है तो प्रकाश की आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होगी, घटती हुई लिखो, चेंज परिवर्तित, आवृत्ति परिवर्तित, परिवर्तित लिखो या घटती हुई लिखो, तो यथा कारण क्या है, डॉपलर, डॉपलर डीओ मतलब दोनों, डॉपलर चेंज क्यों होती है, डॉपलर डीओ से डॉपलर बताइए। अधिकतम तीव्रता दो मिलेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अधिकतम पूछ रहा है, बताइए अधिकतम, बताइए इसका आंसर, बताइए अधिकतम, बताइए सब लोग, डी जल्दी में आई वन प्लस आई टू मत कर देना, फिर प्रॉफिट क्या हुआ भाई, डिस्ट्रक्टिव में जो नुकसान होगा तो यहां प्रॉफिट भी तो होना चाहिए, जितने का नुकसान हो तभी तो आप कहेंगे नुकसान नहीं हुआ भाई, यहां अगर उतना प्रॉफिट हो गया और डिस्ट्रक्टिव में उतना नुकसान हो गया तभी तो आप कहेंगे कंजर्वेशन लॉ, तो यहां फायदा होना चाहिए, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू इतना एक्स्ट्रा आया क्योंकि डिस्ट्रक्टिव में इतने का नुकसान होता है विनाश में, तभी तो अपन बेस्ट और एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं, डी ये मत कर देना जल्दी में। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखिए वेव थ्योरी, तो हमने आपको बताया विविध तरंगे, विविध तरंगे व्यतिकरण विवर्तन ध्रुव, व्यतिकरण विवर्तन ध्रुव व्यतिकरण द्वारा इंटरफेरेंस, ये बहुत सामान्य घटना होती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी से भी प्रूव हो जाएंगी, वेव थ्योरी इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन पोलराइजेशन, और ये तो आपको पता है मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, लाइट को पैकेट माना गया, हाइगन का नाम वेव के द्वारा लिया जाता है, हाइगन को कोई अकेला नहीं बोलता, हाइगन नहीं कहता, हाइगन वेव थ्योरी बोलता है, तो वेव और हाइगन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बताइए दूर जा रहा है, दूर दूर जा रहा है मतलब फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा मतलब रेड की तरफ जाइए, तो बड़ा हुआ, बी आंसर, दूर जा रहा है फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ बड़ा हुआ, एक तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक तारे से आते हुए प्रकाश का तरंगदैर्ध देखेगा, तो समझ में आ रहा है दूर जा रहा है, तो सोर्स जब दूर जा रहा है तो अपन क्या याद करते थे, ट्रेन दूर जा रही है फ्रीक्वेंसी कम वेवलेंथ ज्यादा, यहां वेवलेंथ पूछा जाएगा वहां फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है। नेक्स्ट बताइए, पृथ्वी की ओर आ रहा है, पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो अपन जब पृथ्वी की ओर आएगा निकट आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा वेवलेंथ कम, वेवलेंथ कम को क्या बोलोगे, ब्लू शिफ्ट, नीला विस्थापन, ब्लू शिफ्ट बोल दो, ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट बोल दो, ठीक है। तो आज की बात यहीं तक, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, चैनल को आगे बढ़ाने में पूरी पूरी हेल्प करें।